आज का टॉपिक है क्रेनेटा। क्रेनेटा वो एनिमल जिसके अंदर ब्रेन या एक्सटर्नल कवरिंग या क्रेनियम पाया जाता है, दैट इज नोन एज द क्रेनेटा। क्रेनेटा यूरो कोर्डेटा में आता है। यूरो मतलब यू मतलब ट्रू, कोर्डेटा मीन्स कशेरुक कोर्डेट्स, तो ये ट्रू कोर्डेट्स के एनिमल्स हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रेनेट्स, क्रेनेटा के अंदर वो एनिमल जिनके अंदर ब्रेन बोनी कार्टिलेजेस फाइबरस स्ट्रक्चर से सराउंड रहता है या चारों तरफ से सुरक्षित रहता है, और इस क्रेनेटा में वर्टिब्रेट्स एंड द हैगफिश आता है। जीनोमिक एविडेंस, जो इसके एविडेंस हैं, वो वर्टिब्रेट डाइवर्स फ्रॉम द सिफेलोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट से डेवलप हुआ इनका, और ये प्रीवियसली दे हैव डाइवर्स फ्रॉम द यूरोकोर्डे और द ट्यूनिकेट्स। फॉसिल एविडेंस बताते हैं कि ये कैम्ब्रियन पीरियड में 540 मिलियन में 10 लाख साल होते हैं। द टू होल जीनोम डुप्लीकेट्स अकर इन द अर्ली वर्टिब्रेट सिस्टम एंड क्रेनियम द पार्ट ऑफ द स्कल एनक्लोजिंग द ब्रेन, ऐसा पार्ट जो ब्रेन को सुरक्षित रखता है, दैट इज नोन एज द क्रेनियम। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, द रैपिड अपीयरेंस ऑफ द 530 मिलियन ईयर अगो में इसका माना जाता है कि इसका उदय हुआ था। एंड क्रेनेटा जिसके अंदर सभी वर्टिब्रेट्स और द हैगफिश जो मिक्सिन ग्रुप की है, हैगफिश आर द ओनली लिविंग एनिमल्स विच हैव द स्कल एंड नॉट द वर्टिब्रल कॉलम। क्रेनियम इज अ बोनी कार्टिलेजेस और फाइबरस स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, और इसके जो क्रेनियम है इसके साथ साथ ब्रेन जो और फेशियल बोन्स पाई जाती है। मोस्ट बायलैटरल सिमेट्रिकल, अगर बीच में से काटा जाए तो दो बराबर पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। ये अर्लिएस्ट नॉन एनिमल जिसके अंदर क्रेनियम विथ जॉज या मैंडिबल्स के साथ में दिखाया गया है। वर्टिब्रेट्स, थ्री डिस्टिंक्ट ग्रुप है वर्टिब्रेट के अंदर, प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा के सबफाइलम हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा, और क्रेनेटा के अंदर वर्टिब्रेटा पाए जाते हैं। वर्टिब्रेटा वो एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रल कोलम पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट, इन दोनों के जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, ये माना जाता है कि एक ही थे, और ये लगभग 600 मिलियन ईयर्स अगो, एक मिलियन में 10 लाख साल होता है, जो इनका उदय, जिनका दोनों का वर्टिब्रेट कशेरुकी और अकशेरुकी एनिमल का उदय 600 मिलियन ईयर अगो बताते हैं, और वर्टिब्रेट का जो उदय है लगभग 75 मिलियन ईयर्स अगो, जब इन दोनों का उदय हुआ उसके 75 मिलियन ईयर के बाद में कशेरुका या वर्टिब्रेट का उदय हुआ, दैट इज द 525 मिलियन ईयर अगो। एंड वर्टिब्रेट हैज ब्रांच ऑफ इनटू देयर लॉन्ग लाइनेज, अलग से इनका एक पूरा उदय का अपना इतिहास है। ये एक जेनेटिक ट्री है जो कब कैसे किसका उदय हुआ था, जैसे कोर्डेट का है नोटोकोर्ड के अंदर, सिफेलोकोर्ड, यूरोकोर्ड एंड मिक्सिन, और वर्टिब्रेट्स इनका ये पूरा किस तरह से इनका उदय हुआ था। करेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक पाई जाती है, स्टिफ रोड रनिंग थ्रू द लेंथ ऑफ द एनिमल। पिछले वीडियो में जो हमने बात करी थी उसके अंदर भी यही बात करी थी कि सिफेलोकोर्डेटा के अंदर पूरा एक रोड नुमा स्ट्रक्चर आगे सर से पीछे पूंछ तक टेल तक पाया जाता है। एंड ह्यूमंस एंड ऑल अदर वर्टिब्रेट पजेसेस ए नोटोकोर्ड, जो इसकी भ्रूणी अवस्था है ह्यूमन की, उसके अंदर भी नोटोकोर्ड पाई जाती है, जो धीरे धीरे बाद में वर्टिब्रल कोलम के अंदर
परिवर्तित हो जाती है। अ बंडल ऑफ रन नर्व्स अबव द वर्टिब्रल कॉलम, एक पूरा नर्व का जो बंडल है वो कशेरुकाओं के ऊपर पाया जाता है, और एनिमल एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल है वो नीचे पाई जाती है। माउथ इज प्रेजेंट, माउथ आगे की तरफ पाया जाता है, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दो ओपनिंग होती है, आगे वाली ओपनिंग जिसको मुख कहते हैं और पोस्टीरियर ओपनिंग जिसको कि एनस कहा जाता है या गुदा कहा जाता है। वर्टिब्रेट के अंदर वर्टिब्रेट के दो सब फाइलम है, एक तो क्रेनेटा, फाइलम कोर्डेटा। वर्टिब्रेट डिस्प्लेस द फोर करेक्टरिस्टिक फीचर, क्या है ये चार करेक्टरिस्टिक? वर्टिब्रल कॉलम सीरीज ऑफ वर्टिब्रा का बना होता है जिसको बैकबोन कहते हैं, एंड ऑल द वर्टिब्रेट्स आर नोन एज द वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट के अंदर चार जो करेक्टरिस्टिक हैं, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम जो जैसे जैसे विकास हुआ, नोटोकोर्ड को वर्टिब्रल कॉलम ने रिप्लेस कर दिया, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्लोजली जो रिलेटेड वर्टिब्रेटा के एनिमल हैं वो हैं सिफेलोकोर्डेट एंड द यूरोकोर्डेट।